हक्का नूडल्स बनाने के लिए एक पैन में सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो चाइनीज़ वोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोक में नॉर्मली चाइनीज़ खाना पकाया जाता है क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट करता है वो, और टॉस करने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। अब हम चॉप्ड अनियंस डालेंगे। अनियंस को आपको सौते करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कुकिंग आप कर रहे हैं वो हाई फ्लेम पे ही हमें करनी है, फ्लेम को लो नहीं करना है। अब हम चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। चाइनीज ट्रैवलर्स को हक्का बोला जाता है, तो चाइनीज ट्रैवल बुद्धिस्ट टीचिंग सीखने के लिए इंडिया में आए और कोलकाता में उन्होंने अपना डेरा जमाया, क्योंकि कोलकाता जो है वो एक्सेसिबल था इजीली। ब्रिटिश कॉलोनी सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी कोलकाता में, तो वहाँ पे वो आए और इंडियन मसालों के साथ अपनी रेसिपी इन्फ्यूज़ करके हक्का नूडल्स जो हैं वो चलन में आए। चाइनीज़ डिशेस जो हैं वो ज़्यादा हीट पे बनाई जाती हैं। वोक में कुकिंग होती है, बड़ा सा वोक होता है, हमारे पास अभी है नहीं, तो वोक में पतला वोक होता है और हाई रेंज में हाई हीट में टॉस कर करके चाइनीज़ कुकिंग, मेजॉरिटी चंक ऑफ चाइनीज़ कुकिंग जो है वो करी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। सबसे पहले हमने चॉप्ड कैप्सिकम लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है हमने। वेजिटेबल्स फ्राई करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिए कि ये बहुत जल्दी जल्दी हमें फ्राई करनी है, ओवर कुक नहीं करना है वेजिटेबल्स को। ये बेबी कैरेट्स को हमने जूलियन कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी मनपसंद वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट इंश्योर करिए कि वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस हमें मेंटेन करनी है, ओवर कुक नहीं करना है हमें वेजिटेबल्स को। अच्छे से इसको फ्राई करें। अब हम डाल रहे हैं श्रेडेड कैबेज। अच्छे से मिक्स करिए इसको। अगर एक स्पैचुला से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप दो फोक या दो स्पैचुला भी ले सकते हैं टॉस करने के लिए। अब हम सॉल्ट डालेंगे, नमक आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब इसको बाहर वाला टेस्ट देने के लिए हमने ब्लैक सोया सॉस लिया है, ये डाल देंगे हम, और इसी के साथ जाएगा वाइट विनेगर। अच्छे से मिक्स करिए इसको। नूडल्स को हमने 80% ही बॉईल करा है, ओवर कुक नहीं किया है, और ठंडे पानी में वॉश करके ऑयल की एक कोटिंग लगा के ठंडा करने हमने रख दिया था। अब आप अपने नूडल्स डाल दें। क्रश्ड पेपर फॉर द एडेड फ्लेवर। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो चिली सॉस भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड फाइनली सम चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस। हक्का नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। आप ज़रूर घर पे बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाजार जैसे आपके बने या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।